पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। आम आदमी पार्टी प्रमुख और उनके परिवार के सदस्य कटरा पहुंचे और माता वैष्णो देवी का उन्होंने आशीर्वाद लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपनी धर्मपत्नी के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचा, दर्शन किए और सभी देशवासियों के मंगल की कामना की। माता रानी सबका भला करें और आशीर्वाद दें। जय माता दी। आपको बता दें कि केजरीवाल को इस साल मार्च में दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो पिछले महीने तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। और आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल वैष्णो देवी पहुंचे जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन किए। इससे पहले जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे और अब वो अपनी पत्नी के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हर तरफ तैयारियां जो है वो की जा रही है, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भाजपा हो या आम आदमी पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, आप और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे। अपनी पत्नी के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, ये उनकी तरफ से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया। उसके बाद तमाम तस्वीरें भी सामने आई। माता वैष्णो देवी में उन्होंने आरती और कीर्तन में भी हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने तमाम देशवासियों के सुख शांति की कामना की।